इस वीडियो में हम ऐसे 7 फूड्स के बारे में बात करेंगे जो खास तौर से आपके बेली फैट को कम करने में हेल्प करते हैं। इसके साथ मैं यह भी बताऊंगी कि इन्हें कब और कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीमा और मैंने अपना 28 केजी 28 किलो वेट लूज किया है 100% हेल्दी और नेचुरल वे से, और इन वीडियोस के थ्रू मैं अपने वेट लॉस एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इसीलिए अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपको पतला करने में काफी हेल्प करेगा। और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बात करते हैं बेली फैट की। वेट लॉस की तरह बेली फैट के लिए भी हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, पर कुछ फूड्स ऐसे हैं जो हमारे बेली एरिया पर ज्यादा असर करते हैं, हमें उन्हें अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। हमें बेसिकली ऐसे फूड्स खाने चाहिए जो लो कैलोरिक हों, न्यूट्रिशियस हों और साथ ही साथ हमारे डाइजेशन को अच्छा रखें, वो हमें कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग ना होने दे और साथ ही साथ हमारे इंटरनल लिवर फैट को भी कम करने में हेल्प करें। तो चलिए ऐसी ही खूबियों वाले 7 फूड्स के बारे में बात करते हैं। बेली फैट कम करने वाला सबसे पहला फूड है ऑलमंड या बादाम। हम सभी जानते हैं ऑलमंड्स हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं, इनमें खास तौर से प्रोटीन और फाइबर न्यूट्रिएंट्स काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं, जिससे ये हमें मसल इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं और साथ ही साथ फैट मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं, जिससे हम ज्यादा फैट बर्न कर पाते हैं। इसके अलावा यह एलडीएल मतलब खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और साथ ही साथ लिपिड प्रोफाइल को इम्प्रूव करता है, जिससे खास तौर से हमारे बेली एरिया के फैट कम होता है। बेली फैट कम करने के लिए 8 से 10 बादाम रोज खाएं। अगर आपको गर्मी की प्रॉब्लम रहती है तो आप इन्हें रात भर के लिए पानी में छोड़ दें और सुबह छिलका हटाकर इन्हें खाएं। इन्हें स्नैक्स की तरह खाना सबसे ज्यादा आसान और फायदेमंद है। सेकंड, बेली फैट रिड्यूसिंग फूड है दालें और बीन्स। यह भी बादाम की तरह हाई प्रोटीन और हाई फाइबर फूड है। ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, जिससे हमें लंबे समय तक भूख नहीं लगती, जिसकी वजह से हम पूरे दिन में ओवरऑल कम कैलोरीज का इंटेक करते हैं। इसके साथ ही साथ ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज करती हैं, जिसकी वजह से हम ज्यादा कैलोरीज बर्न कर पाते हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा है ये हमारे इंटरनल ऑर्गन पर जमा हुए फैट को कम करने में हेल्प करती है, जिससे हमारा बेली एरिया कम होता है। दालों में सभी प्रकार की दालें जैसे मूंग, मोठ, मसूर, बीन्स में छोले, राजमा और चने ले सकते हैं। आप इन्हें उबालकर इनका सैलेड बनाकर खा सकते हैं या इन्हें स्प्राउट करके खा सकते हैं। थर्ड बेली फैट रिड्यूसिंग फूड है कोकोनट ऑयल। यहाँ हम खाने वाले कोकोनट ऑयल की बात कर रहे हैं, स्किन या हेयर पर लगाने वाले ऑयल की नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑयल, इसमें तो काफी फैट होता होगा। जी हाँ, आपने सही सोचा, पर यह हेल्दी फैट है जो हमारी बॉडी के लिए बेहद जरूरी है। ये लो चेन फैटी एसिड्स जल्दी ही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है। और कई वेट लॉस स्टडीज ये प्रूव कर चुकी हैं कि कोकोनट ऑयल आपके लीवर फैट को कम करता है, जिससे आपकी कमर पतली होती है। इसके लिए 1 ग्लास गुनगुने पानी में 10 ml मतलब 2 टीस्पून कोकोनट ऑयल मिलाकर पी लें। अगर आप इसे ऐसे नहीं पी सकते हैं तो आप इसी ऑयल से अपनी सब्जी बना सकते हैं या सैलेड में डाल करके भी खा सकते हैं। कुछ ही दिनों में आपको फर्क दिखने लगेगा। एडिबल ऑयल मतलब खाने वाला कोकोनट ऑयल आप अमेज़न से मंगा सकते हैं, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। फोर्थ कमर पतली करने वाला फूड है फ्लैक्सीड्स या अलसी के बीज। वेट लॉस के लिए आपने इसका नाम काफी सुना होगा और ये है भी काफी इफेक्टिव। यह ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और फाइबर से भरपूर होता है। फ्लैक्स सीड्स बेसिकली आपके लीवर के आसपास के फैट को बर्न करने में हेल्प करता है, जिससे ओवरऑल आपका बेली एरिया कम होता है। यह इतना न्यूट्रिशियस है कि आज से 100 साल पहले महात्मा गांधी ने भी कहा था कि जब लोग अपने रोज के खाने में अलसी का बीज यूज करेंगे तो उनकी हेल्थ और बेहतर हो जाएगी। है ना कमाल की बात। और फ्लैक्स सीड्स लेने का सबसे सही तरीका है पाउडर फॉर्म। आप इसे अपनी सब्जी में, दही में और सैलेड में मिलाकर खा सकते हैं।
और मेरे हिसाब से एक दिन में 14 ग्राम मतलब 2 चम्मच फ्लैक्सीड पाउडर लेना काफी है बेली फैट कम करने के लिए। वेस्ट एरिया कम करने वाले फिफ्थ फूड का नाम है लो फैट दही। इसका मेन कारण है इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स का होना, जिन्हें हम अच्छे बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये हमारे फूड को ब्रेक करने में हेल्प करता है, मतलब अच्छे से डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और अच्छा डाइजेशन हमारे वेट लॉस और हमारे बेली फैट को कम करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी फैट लॉस प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करने के लिए इसमें एक स्पून फ्लैक्सीड पाउडर और हाफ स्पून जीरा पाउडर मिलाकर के खाएं, जिससे यह एक सुपर बेली फैट बर्निंग फूड बन जाता है। सिक्स्थ बेली फैट बर्निंग फूड है ओट्स। ओट्स लो कैलोरिक और हाई प्रोटीन फूड है। यह काफी न्यूट्रिशियस होते हैं और साथ ही साथ इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो होता है, जिसकी वजह से ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और हमारा खाना धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, जिसकी वजह से हम लंबे समय तक फुलफिल करते हैं। और इसी कारण से ये हमारे वेट लॉस के साथ साथ हमारे बेली फैट को भी कम करने में हेल्प करता है। पर शुगरी और हाई प्रोसेस्ड ओट्स आपका बेली फैट बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मसाला ओट्स या फिर बाकी फ्लेवर्ड ओट्स। इसीलिए हमेशा सिर्फ स्टील कट ओट्स खाएं। ये सबसे कम प्रोसेस्ड ओट्स होते हैं। आप इन्हें अमेज़न से खरीद सकते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सेवेंथ बेली फैट बर्निंग फूड है एप्पल साइडर विनेगर या एसीवी। इसमें एसिटिक एसिड नाम का कंपोनेंट होता है, जो आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। इसके साथ ही साथ यह आपकी क्रेविंग्स को भी कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से आप ओवरऑल कम कैलोरीज का इंटेक करते हैं। कई स्टडीज ये प्रूव कर चुकी है कि अगर आप अपने हर मेन मील के पहले 1 टीस्पून एसीवी पीते हैं, तो दिन भर में 200 कैलोरीज तक कम इंटेक करते हैं। ये खास तौर से आपके लीवर फैट को कम करता है, मतलब आपकी वेस्ट साइज को कम करने में हेल्प करता है। इसे लेने का सबसे आसान तरीका है, खाने से 30 मिनट पहले एक ग्लास नॉर्मल पानी में एक चम्मच मतलब 5 ml एसीवी मिलाकर ऐसे ही पी लें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप इसे अपने सैलेड में मिलाकर के भी खा सकते हैं। दोनों ही तरीके अच्छा वर्क करते हैं। पर ऐसा नहीं कि आप केवल ये 7 फूड्स ही खाएं। अच्छा फर्क तो तभी होगा जब आप अपनी कंप्लीट डाइट पर ध्यान देंगे। मैं जल्दी ही बेली फैट कम करने की कंप्लीट डाइट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो इसीलिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरी वेट लॉस जर्नी, डाइट, फूड, एक्सरसाइज या फिर मुझसे वेट लॉस गाइडेंस चाहते हैं, तो मेरा ब्लॉग healthysystem.in जरूर देखें।